गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.6 और आपका पार्ट है 5। इससे पिछले वीडियो में पार्ट 4th आपको भेजा था एक्सरसाइज 7.5 का। अब इसमें आपकी प्रॉब्लम सम्स हैं, यानी कि आपको चेक करके लिखना है प्लस के और माइनस के। ये आपको अपने आप समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25.64। इफ वन नंबर इज द 16.28 टू फाइंड द अदर नंबर। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन 1, अब वन का है द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो टू नंबर हैं आपके 64, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज, तो वन ऑफ द नंबर, अब इसमें से वन नंबर कितना है 16.28, तो क्या पूछ रहा है फाइंड द अदर नंबर। तो द अदर नंबर्स, अगर अदर नंबर निकालना है तो हम माइनस करेंगे 25.64 माइनस 16.28। अब इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 8 नहीं जा सकता, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 5 है, 5 में से 6 नहीं जा सके जैसे 1 लिया, 15 में से 6 गया 9, तो आपका 9.36। तो क्या लिखेंगे, दस द अदर नंबर इज 9.36, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ के करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में राम हैज रुपीज 410.50 एंड श्याम हैज 316.25। हाउ मच मोर मनी डज राम है, तो राम के पास कितनी मनी ज़्यादा है, तो उसमें से आप माइनस करेंगे, तो राम हैज मनी, तो राम हैज मनी कितनी है रुपीज, साइन लगा दो क्या रुपीज का, रुपीज 410.50, ऐसे इसके पास है, किसके पास, शाम के पास, तो शाम हैज मनी इक्वल टू रुपीज कितनी है 316.25। अब मोर देन मनी, मोर मनी डज राम हैव, तो राम हैव मोर मनी, तो कितनी होगी, तो रुपीज 410 रुपीज डेसिमल 50 माइनस 316.25, माइनस कर दो, 0 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, कुछ नहीं बचा इसमें से, 10 में से 6 गया 4, यहाँ रह गया 0, 10 में से 1 गया 9, तो 94 रुपीज 25 पैसे,
ठीक है, तो ये इसमें हमने प्लस कर दिए, टेन में से सिक्स या फोर, ठीक है, तो 94 रुपीज 25 पैसे। तो था राम हैज मोर मनी इज रुपीज 94.2 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करने हैं। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ पेयर ऑफ लेदर शूज कॉस्ट 725 रुपीज 85 पैसे एंड पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज कॉस्ट ऑफ 550 रुपीज 75 पैसे, विच पेयर कॉस्ट मोर एंड हाउ मच। तो इसमें भी आपको माइनस का करना है। सुशील स्टार्टेड 1 किलोमीटर जर्नी, इफ द हैव बीन कवर्ड इतनी तो विल डिस्टेंस इज लेफ्ट कवर्ड। तो इसमें आपको माइनस के ही करने हैं। तो गोविंद वॉक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ तक तो आपके माइनस के दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राम बोट 15 kg, टीटू बोट 25.25 kg एंड लवी बोट 80 kg ऑफ वीट, व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ वीट बोट द देम ऑल टुगेदर। तो कॉस्ट ऑफ, तो राम बोट वीट, टोटल वीट खरीदे हैं, तो कॉस्ट ऑफ वीट बाय राम कितनी है, 1.5 kg। ठीक है, इसके बाद है टीटू बॉट, तो कॉस्ट ऑफ, सॉरी, ऑफ वीट बाय T2, इसकी कितनी है, 7.25 kg। इसके बाद लवी बॉट, तो कॉस्ट ऑफ वीट बाय लवी, इसकी है आपकी 18 kg। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टोटल कितनी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वीट बाय ऑल टुगेदर, सबके द्वारा कितनी खरीदी गई है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वीट बोट बाय ऑल टुगेदर। आप कर दो सबको प्लस, 1.5 kg प्लस 7.25 kg प्लस 18.00 kg, तो ये 5 kg है, तो हम इसको 50 कर लेते हैं, तो इसमें करेंगे हम 5 का 5 ही रहेगा, 2, 5, 7, 7, 8, 7, 15, 15 और 1, 16, 1 और 1, 2, तो 25 5 kg। क्लियर है, तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है।
ठीक है। तो मैंने आपके सॉरी थ्री कह रहा हूँ फाइव है ये क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन टू ये सेम है, थ्री फोर सेम है, इसके बाद फाइव इसके आगे सेम है। तो ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज जो है आपको इसी तरह से करनी है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन करने हैं तो वो तरीके से इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को करना है। तो आपको जब इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आप ध्यान से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। अब है इसके बाद आपका ये आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.6 इसके आगे के क्वेश्चन जो है और जो मैंने क्वेश्चन छुड़वाए हैं ये आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। थैंक यू।